फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर जियो में आपके गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हो जाएगी। मैं आपको पूरा बताऊंगा आप किस तरह से गलत रिचार्ज करते हैं और उसे किस तरह से आप रिवर्सल दे पाते हैं। तो रिवर्सल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले जो आप रिचार्ज करने के लिए ऑप्शन करते हैं मोबाइल डेटा ऑन करना, उसके बाद आपको अपना वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई को कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ वाईफाई ऑन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने जो पासवर्ड होते हैं वो यहाँ डाल देते हैं रिचार्ज करने के लिए। तो मैं आपको पहले रिचार्ज करके बताऊंगा, उसके बाद उसे रिवर्सल किस तरह से लेते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको बताऊंगा किस वजह से हमारे रिचार्ज और किस लापरवाही की वजह से हमें फिर से रिवर्सल लेने की जरूरत पड़ती है। और ये हो तब तक आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपके हो जाता है तो आप उसे किस तरह से ले पाएंगे उसकी पूरी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको रिचार्ज करके बताऊंगा, क्योंकि हम बातों बातों में मोबाइल में रिचार्ज डाल देते हैं कभी गलती से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है रिचार्ज का, रिचार्ज के लिए आप क्लिक करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आप रिचार्ज करेंगे तो सेकंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो कस्टमर रिचार्ज कराने आता है। तो वो बात बात में हम वो प्लान भी समझाते रहते हैं और नंबर भी डालते रहते हैं, तो कुछ नंबर कनेक्शन हो जाता है कभी गलती से, तो उसको आप रिचार्ज कर देते हैं और कस्टमर बोलता है मुझे रिचार्ज नहीं आया है। तो आप रिचार्ज कर चुके होते हैं वो प्लान जैसे, या ऐसा हो सकता है उसने आपको बोला एक महीने का रिचार्ज कर दो और आप बातों बातों में उसे बताते हैं तीन महीनों में आपको अच्छी स्कीम मिल जाएगी, तो वो बोलता है वाह ठीक है ये कर दो। तब तक आप इस चीज़ को प्रोसेस कर चुके होते हैं तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो आप रिचार्ज पूरा प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यार तीन महीने का रिचार्ज हो सकता है तो कर दीजिए। तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन उसके आपके लिए रिवर्सल करना होगा। वो किस तरह से होगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। दो कारण मैंने आपको बताए हैं, या तो आपने मोबाइल नंबर गलत डाले हैं तो आपको रिवर्सल लेने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपने रिचार्ज अमाउंट गलत डाल दिया है, यानी कस्टमर ने कुछ और कहा था और आपने कुछ और अमाउंट डाल दिया है, तो आपको रिवर्सल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिचार्ज मेरा सक्सेस हो चुका है, या मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने रिचार्ज कर दिया है तो आप इसे फिर से वापस अपने अकाउंट में लेकर कस्टमर को दूसरा रिचार्ज किस तरह से कर पाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर के मोबाइल की, जो आपके सामने कस्टमर खड़ा हुआ है या उसने किसी दूसरे नंबर पर करवाया, तो आपको उस पर जो OTP आती है उसकी आपको ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें फिर से हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलता है, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और उसमें किस तरह से आप अपना रिवर्सल ले पाएंगे उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है रिवर्सल के लिए सेकंड नंबर पर, तो आप यहां पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको रिवर्सल के लिए आगे का प्रोसेस करना होगा। वीडियो को छोटा सा है, पूरा देखना, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप किस तरह से अपना रिवर्सल ले पाएंगे। तो यहां रिवर्सल पर आप सेकंड नंबर पर क्लिक कर लेंगे जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने जो रिचार्ज किया था उसमें एक मैसेज आता है, उसका जो अंक होता है वो आपको यहाँ डालना होगा। जैसे मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ, यह ट्रांजेक्शन ID का BR0005JM3QHW दिख रहा है, ये कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा आपको फर्स्ट नंबर पर। यहाँ पर अगर आप इस कोड को लिख देते हैं और उसके बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगी, यानी जिस पर आप रिचार्ज किया था या गलत नंबर का जो रिचार्ज हुआ था या जिसको आपके अब अमाउंट दूसरा चेंज करना है, वो आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना होगा सेकंड नंबर पर। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन ID यहाँ लिखनी होगी जो मैंने अभी बोल के बताई थी, उस तरह आप यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद आप नीचे मोबाइल नंबर लिख लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और उसमें आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या था रिवर्सल लेने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पर मैं ये लिख चुका हूँ जो मैंने आपको अंक बताए थे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने जो मोबाइल नंबर थे कस्टमर के जिस पर ये आया था मैसेज, उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। वो मैसेज आपके पास भी आता है और कस्टमर के पास भी आता है, तो आप वो अंक यहाँ पर लिख लेंगे ट्रांजैक्शन आईडी के और यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इसे आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको वहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और उसमें आपको क्या करना है उसकी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो छोटा सा है, पूरा देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप किस तरह से अपना अमाउंट वापस ले पाएंगे और फिर से आप रिचार्ज कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कस्टमर के मोबाइल पर जो OTP जाएगी वो यहाँ पर आपको
डालनी होगी, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ब्लू पे, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पर आपको अब आगे एक नया पेज शो हो रहा है। तो इसमें आपको यहाँ कंफर्म कराना है आपने जो रिचार्ज किया वो यहाँ अमाउंट शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं किस वजह से आपका रिवर्सल लेना चाहते हैं। तो यहाँ आपको तीन कारण दिए हुए हैं, या तो आपने मोबाइल नंबर गलत डाले हैं, या आपने अमाउंट गलत डाला है, या और कुछ। तो आप यहाँ पर आप अमाउंट गलत को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो कस्टमर के मोबाइल पर एक OTP जाएगी जो नंबर आपने डाला था वहाँ पर। तो उस मोबाइल में जो OTP आई है उसको आपको यहाँ डालना होगा। ये खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर आप जो कस्टमर के मोबाइल पे OTP आई है अगर वो डालेंगे तभी आपके रिवर्सल हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से कंफर्म करना जरूरी है। मान लो कस्टमर चला गया तो भी आपको उसे कॉल करना होगा, या गलत नंबर डाला है फिर भी आपको उसे कॉल करना होगा और उससे OTP लेनी ही होगी। अगर वो OTP नहीं देता है तो आपके रिवर्सल नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो कस्टमर से OTP आपने ले ली है और आपने यहाँ OTP डाल ली है, तो उसके बाद आप यहाँ फिर से नीचे क्लिक करेंगे और आप यहां पर देख पाएंगे आगे किस तरह से हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर मैं यहां डाल चुका हूं और यहां नीचे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये मुझे मैसेज आ चुका है। अब ये मैसेज मुझे हाथों हाथ हो सकता है, इसमें हो सकता है आपको आधा एक घंटे की देर भी हो सकती है, सर्वर पर डिपेंड करता है। तो आपके रिवर्सल हो जाएगा और इस तरह आप अपने जो गलत रिचार्ज हुआ है उसकी रिवर्सल फिर से ले पाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अगर कस्टमर के मोबाइल पर जो OTP आई है वो अगर आप अपने इसमें नहीं डालेंगे तो आपको रिवर्सल नहीं हो पाएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर देख पाएंगे प्लेलिस्ट के द्वारा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।